And these are the very latest visuals. Remember, we are getting to you now from Haryana, where the Haryana MLAs, in fact, we are given to understand that most of them are the MLAs representing the INLD party. They've barged into the Punjab Vidhan Sabha to protest over the Satluj Yamuna Link Canal project. Vishal with us for more details. Vishal, then this row is only set to escalate. Yeah, that's true. The situation is really worsening. It has happened in the first time in the history of after creation of Haryana. Now, the Punjab Vidhan Sabha and Haryana Vidhan Sabha are in the same building premises, but they are differentiated by basically a wooden wall. Now, here you see, after this issue of Satluj Yamuna Link Canal issue has really been erupted between Punjab and Haryana, and Punjab has unilaterally passed a bill basically taking over the land and giving it free to the farmers. The farmers have been trying to really take the possession of the land. Here you see INLD MLAs really rushing towards the Punjab Vidhan Sabha. The marshals did not allow them, but they met the speaker of the Punjab Vidhan Sabha. They have discussed the matter with the Punjab Vidhan Sabha that the Punjab Vidhan Sabha has passed a law which is totally unconstitutional and against the interests of the Haryana government and people of Haryana. So here they are protesting against the Satluj Yamuna Link bill that has been passed, basically to take over the land and also give it back free to the farmers. So the MLAs of Indian National Lokdal barged into the Haryana Punjab Vidhan Sabha, and later on they were stopped by the security forces and marshals, and they were taken to the speaker's room. The speaker took their point of view, understood their point of view, and later on now they've left towards the Haryana Vidhan Sabha. पंजाब की सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया, एक ऐसा बिल लेकर के आए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने बिल पास हुआ नहीं अब तक, बिल अब तक मंजूर नहीं हुआ। उससे पहले जो एसआई लहर बनी हुई थी, काटने का काम किया, उस लहर में मिट्टी डालने का काम किया। आज हम इनको ये बताने आए हैं, कहीं भी जब कहीं किसी भी बात की पंजाब और हरियाणा को लेकर के बात होती है तो हमारा आपसी जहाँ कहीं हमें पंजाब के बारे में कुछ कहना पड़ा, हमेशा पहले ये कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन आज उस बड़े भाई ने हरियाणा प्रदेश छोटे भाई के साथ एक ऐसा विश्वासघात किया है जिसकी वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास पंजाब से उठ चुका है। आज जिस ढंग से ये बिल लेकर के आए हैं, जो बिल इन्होंने आज लाने का काम किया, उससे हमारे और इनके जो आपसी भाईचारे थे, जो हमारे और इनके आपसी रिश्ते थे, आज इन्होंने पूरी तरह से उनको तार तार कर दिया, आज इन्होंने तोड़ दिया। इससे ज्यादा असंवैधानिक काम आज तक किसी भी असेंबली में नहीं हुआ। ये देश में और हमारा हरियाणा प्रदेश के लिए आज एक काला अध्याय है, और इस काला अध्याय के अंत करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। हमें अगर इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाकर के पंजाब के ऊपर बॉर्डर पे लाकर के खड़ा करना पड़ा, अगर हमें इस नहर को नए सिरे से खोद करके ले जाना पड़ा, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना कस्सी और फावड़ा लेकर के आएगा, इस नहर को खोद करके हरियाणा के सिक्का पानी दिलाने का काम। हमने स्पीकर से कहा, आप असेंबली के अंदर आपके माध्यम से सारी चीजें आती है, जब इस किस्म का बिल आ रहा था तो आप तो देश में भी स्पीकर के दफ्तर में हो, आपको संवैधानिक बातों की पूर्ण जानकारी थी, उसके बावजूद आपने ऐसे बिल को रुकवाना चाहिए था। आज आपने नार गुआ करके आप भी उस असंवैधानिक काम में शामिल हुए, आपने संघीय प्रणाली को तोड़ने का काम किया। हम आपसे आज केवल ये कहने नहीं आए, हम तो आपकी असेंबली को ये जताने आए हैं पूरी को पूरी को, और आप क्योंकि असेंबली में जाकर के बैठोगे तो आप बताओगे कि हरियाणा के लोगों में आपके प्रति आज कितना गुस्सा है। हमारा कोई गठजोड़ नहीं, हमारा पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ अब कोई संबंध नहीं। आईएनडी के साथ अकाली दल कोई काम नहीं करेंगे,
जिससे आम आदमी को कोई तकलीफ हो। इन्होंने ये काम पंजाब के लोग कर सकते हैं, इस किस्म का निर्णय पंजाब के लोग ले सकते हैं। इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं इसमें, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई अकाली दल है, चाहे कोई केजरीवाल है, ये सब लोग शामिल है। आज हम इनको घुसने की बात नहीं करते, घुसने नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं कि इस षड्यंत्र में सारे के सारे शामिल है। पंजाब के